रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नैन। और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए हमने ये जो है आधा किलो के करीब हमने ये वो लिया है, पास्ता लिया है, पास्ता लिया है हमने। और ये हमने 2 चम्मच खाने के नमक लिया है और 1 चम्मच हमने खाने का ऑयल लिया है। पानी में बॉयल आ गया, हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ऑयल ऐड कर देंगे हम इसमें। और अब हम इसमें जो है पास्ता डालिए। पानी बॉयल हो चुका है हमारा अच्छे से। जब तक पास्ता हमारा तैयार हो रहा है, बॉईल हो रहा है, जब तक हम ये कीमा, चिकन का कीमा बताते हैं हम इसको। एक प्याला हमने चिकन का कीमा लिया है हमने, और 3 से 4 हमने लहसुन लिए थे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये चाय का 1 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। चाय का 1 चम्मच हमने नमक लिया है। ये खाने के 2 चम्मच हमने चिली सॉस लिया है, और खाने के 2 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। खाने के 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अभी हम ये लहसुन डाल देंगे, इसको ब्राउन करेंगे हम। जी बिल्कुल, लेकिन लाइट गोल्डन हो गए हैं, कड़कड़ा रहे हैं। हाँ, अब हम इसमें जो है चिकन ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे इसमें, सोया सॉस और चिली सॉस। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितनी देर पकाएंगे भाभी हम इसको? हम 6 से 7 मिनट का। अच्छा, चिकन हो जाएगी क्योंकि कीमा है हमारा। ओके, इसमें हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे, और इसको 2 चम्मच डाले हैं, 2 चम्मच खाने के 2 चम्मच। ओके, और इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये गल जाए। ये देखिए पास्ता हो चुके हैं, अब हम इसको छान लेंगे छन्नी में रख के। ये देखिए पास्ता बॉयल हो गया है, हमने इसको छन्नी में अच्छे से छान लिया। देखिए ये भी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे, यानी हमारा पास्ता भी रेडी है और चिकन भी रेडी है। अब व्हाइट सॉस बनाना है। ओके, निकाल लें इसको। अब हम व्हाइट सॉस की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने ये 1 गिलास दूध लिया, ये तकरीबन 1 पाव है, ठीक है। और ये खाने के 2 चम्मच हमने मैदा लिया है। ये चाय का 1 चम्मच हमने जो है दक्कनी मिर्च ली है, व्हाइट पेपर जी पीसी भी, और ये खाने के 2 चम्मच हमने मक्खन लिया है, और ये खाने का 1 चम्मच हमने जो है क्रीम ली है। देखिए हमने इसमें खाने के 2 चम्मच हमने घी डाला था और मक्खन डाल दिया हमने। डायरेक्ट हमने मक्खन यूं ही डाला कि मक्खन फौरन जलने लग जाता है। अब हम इसी के साथ इसमें जो है मैदा ऐड कर देंगे, और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे ताकि हम इसको अच्छे से भून लें। देखिए हमने भुनाई कर ली है इसको। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने ना। अभी अब ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें वाइट पेपर डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, साथ ही और पकाएंगे भाभी? अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। देखिए हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया, और नमक हम आपको दिखाना भूल गए थे। इसमें हमने चाय का 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। तैयार है व्हाइट सॉस। अब इसमें हम जो कीमा ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको भाभी। अच्छा, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे? नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट पकाएंगे हम इसको। देखिए हमने इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है व्हाइट सॉस, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। अब हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे, ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। मिक्स 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 मिक्स, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये सारा डाल दिया अभी आपने? सारा डाल दिया हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये बिल्कुल रेडी है। हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए तैयार है, बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम ये बीच में हरा धनिया रखेंगे, और ये देखें, ये देखें, ये थोड़े से हम इसमें पुदीना चूरा करके सूखा हुआ पुदीना हमने डाल दिया है। और बनाइएगा, बहुत मज़े का लग रहा है। और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।